एक और बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जेकेसीए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ, फारूक अब्दुल्ला पूछताछ में नहीं होंगे शामिल। फारूक अब्दुल्ला ने तबीयत खराब होने का दिया हवाला। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, फारूक अब्दुल्ला पूछताछ में नहीं होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया है और पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। बता दें आपको, फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाए गए फारूक अब्दुल्ला, लेकिन फारूक अब्दुल्ला पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। फारूक अब्दुल्ला पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। बता दें आपको, फारूक अब्दुल्ला ने तबीयत खराब का हवाला दिया है।